वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आपने थंबनेल तो देखा होगा। थंबनेल में क्यों हमने ऐसा लिखा कि बीपीएससी की परीक्षा आसान है, उसका सिलेबस आसान है, लेकिन बिहार पुलिस का जो सिलेबस है वो आसान नहीं है। क्योंकि आप सबको पता है कि जो सिलेबस जिस तरह से दिया गया है, हमने ये उम्मीद लगाई हुई थी कि दीपावली से पहले पहले कोई ना कोई नोटिस जरूर जारी किया जाएगा, ठीक है, बिहार पुलिस की वेबसाइट पर, यानी जो सीएसबीसी की जो वेबसाइट है उस पर कोई ना कोई नोटिफिकेशन जरूर जारी किया जाएगा इस सिलेबस को लेकर के। क्योंकि अभी तक जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल जो सिलेबस में दिया गया है, टोटल सब्जेक्ट कितने हैं एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पर हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, गणित, आप सभी ने इससे देखा भी होगा, इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, भौतिकी, रसायन, और उसके बाद जीव विज्ञान। तो इतना देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, टोटल 10 विषय हैं जिनके पाठ्यक्रम यहाँ पर दिए गए हैं। इन 10ों विषय के लिए कहा गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10+2 लेवल यानी इंटरमीडिएट लेवल की जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो बहुत ही आसान सी बात है कि किसी भी कैंडिडेट के लिए ये मुश्किल क्यों है। इसलिए मुश्किल है कि इंटर में आपको सब्जेक्ट चुनना होता है और आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट चुनते हैं। यानी अगर आप कोई साइंस लेता है, साइंस में भी ऑप्शन आता है कि मैथ लोगे या फिर बायोलॉजी लोगे, ठीक है। तो अगर कई छात्रों के मैथ्स बायोलॉजी दोनों होते हैं, वो इसलिए क्योंकि बायोलॉजी के साथ ऑप्शन होता है कि मैथ ले सकते हो। यहाँ पर मेन एक चीज़ है कि जो अगर जिसने मैथ लिया है या साइंस के जो कैंडिडेट हैं उनको क्या पढ़ना है। बेसिकली उनको पढ़ना है मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। मेन फोकस उनका इस पर होता है और इंग्लिश हिंदी तो सबके लिए कॉमन है, लेकिन ये उतनी अच्छी नहीं हो पाती है उनकी। ये सिर्फ वो चाहते हैं कि इसमें हम पास हो जाएं, बाकी फोकस उनका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पर होता है। ठीक उसी तरह से अगर बायोलॉजी लिया होगा किसी ने, तो मैथ्स को वहाँ से हटा दीजिए, बायोलॉजी को रख लीजिए। तो अगर इतने सब्जेक्ट्स को देख करके अगर आप ध्यान में रख देते हैं तो आपके पास कितने क्वेश्चन, अगर मैं मानूँ कि, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा भी नहीं है कि प्रत्येक सब्जेक्ट से 10-10 क्वेश्चन होगा, ऐसा भी कुछ क्लियर नहीं है। हो सकता है कि इन सब से क्वेश्चन मिला करके अगर वो 10-10 भी पूछते हैं तो 10-10 क्वेश्चन मिला करके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन जिसने कॉमर्स पढ़ा, उसने कभी साइंस पढ़ा ही नहीं 10+2 लेवल के, जो कि इंटरमीडिएट लेवल का है, वो किस तरह से इस 10 क्वेश्चन के जवाब दे पाएगा साइंस के, मैथ के, बायोलॉजी के, ठीक है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री के अलग अलग क्वेश्चंस के जवाब कहाँ से दे पाएगा। तो ये बहुत ही मुश्किल है। और इसी को अगर आप देखें कि चलिए सबसे इम्पोर्टेंट तो यहाँ पर कॉमर्स वाले के लिए हो जाता है कि कॉमर्स वाले ने तो कभी पढ़ा ही नहीं है, ना आर्ट्स पढ़ा उसने, ना उसने साइंस पढ़ा। अब यहाँ पर सवाल उससे वही पूछा जा रहा है आर्ट्स और साइंस के, कॉमर्स का तो यहाँ पर कुछ कोई चर्चा ही नहीं है। एक अर्थशास्त्र है जिसको थोड़ा बहुत वो दे सकता है उसका आंसर, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स तो उसके लिए है ही नहीं। हिंदी, इंग्लिश तो मान लीजिए सबके लिए कॉमन है। तो इसीलिए हमने ये सोचा था कि कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होगा, बिहार पुलिस की वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीएसबीसी की, वहाँ पर कोई ना कोई तो ऑप्शंस होगा कि जिस तरह से लास्ट बार उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि आप 2 सब्जेक्ट चुन लो, 2 सब्जेक्ट आप अपनी चॉइस से चुन लो जिसमें 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 25+25, तो ये हो गए टोटल 50। और 50 को वो जो है वो मिक्स करके आपसे पूछेंगे। तो 50 को वो जब मिक्स करके पूछेंगे तो आपके पास टोटल 100 हो गया। यहाँ पर कुछ हद तक ठीक है कि एक दो चॉइस आपने ले ली, आपके कोई भी 2 सब्जेक्ट आप चॉइस कर लो और उसको आप तैयार कर लो, ये एक तरीका है। लेकिन इस बार उसने वो भी तरीका वहाँ पर नहीं दिया है, उस नोटिफिकेशन के अंदर भी नहीं दिया है, ना ही सिलेबस के अंदर ये चीज़ दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यही सोचा था कि इस तरह की कोई चीज़ ये हो सकता है कि ले आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आया। अब अगर बात करें कि अगर हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन दे देते हैं और कहते हैं वहाँ पर कि आप अपनी इच्छा से कर लो, तब भी आप देखोगे कि हर एक क्वेश्चन के अगर 25-25, 50-50 क्वेश्चन, तो बुकलेट काफ़ी मोटा होगा, काफ़ी बड़ा होगा। तो ये भी संभव नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। इसीलिए अगर आप देखें बीपीएससी का सिलेबस उठा करके देखें तो वहाँ पर बहुत ही क्लियर है। अगर आप दरोगा का उठा करके देखें तो क्लियर है कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, साइंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब कुछ वहाँ पर क्लियर है कि आपको कोई सब्जेक्ट चुन लेना है। जैसे कि जीएस के क्वेश्चन है, जीएस के क्वेश्चंस के लिए आपको बीपीएससी के अंदर क्या है, जीएस के क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलते हैं। तो बहुत ही आसान होता है वो आपके लिए सिलेक्ट करना। लेकिन यहाँ बिहार पुलिस की अगर आप बात करें तो इंटर लेवल का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो खास करके गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें, तो गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंटर लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं।
लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आप नहीं पूछो, आप पूछो ठीक है, लेकिन उस चीज़ को क्लियर कर दो कि आप क्या पूछ रहे हो, क्या पैटर्न होगा, कितने कितने क्वेश्चन होंगे, ये चीज़ ज़रूर क्लियर करनी चाहिए, फिर स्टूडेंट है उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लेता। अगर आप दरोगा की बात करें तो दरोगा में भी क्लियर बात की गई है कि आपको जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछा जाएगा, वहाँ पर भी सब चीज़ क्लियर है, क्योंकि वहाँ पर निगेटिव मार्किंग है और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने बताया कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी हैं, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, जिसको आप लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सिविक्स जो भी आप कहें उनसे क्वेश्चन, तो इन सबको मिला करके वो 100 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें करंट अफेयर्स का सेक्शन जो आप देखेंगे पिछले कुछ सालों का पैटर्न, तो ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स से होते हैं। लेकिन बिहार पुलिस में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है, वेबसाइट पर इतनी बड़ी सिलेबस लिख दी गई है, और एग्जाम, अब ये भी नहीं कह सकते कि लास्ट टाइम जो पूछा गया था ठीक उसी तरह से पूछा जाएगा, आप अंदाज नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने, जिसने क्वेश्चन बनाया, जो सेटर है जिसने क्वेश्चन सेट किया है, वो अगर इस सिलेबस को देख करके सेट करेगा, तो फिर आप जो पिछले हिसाब का आप तुलना कर रहे हैं कि पिछले हिसाब से पूछा जाएगा, वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, आप फिर आप क्वेश्चन, आप बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं करके आ पाएंगे। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको समझना चाहिए CSBC को, और बहुत ही जल्द हम उम्मीद करते हैं, जैसा कि बहुत लोगों ने इसके लिए आवाज़ भी उठाई है, तो हो सकता है कि दीपावली, अब छठ बहुत नज़दीक आ चुका है, तो दीपावली और छठ के बाद ही हम उम्मीद करते हैं, यानी नेक्स्ट मंथ नवंबर के फर्स्ट वीक में, मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई ना कोई नोटिफिकेशन जरूर जारी किया जाएगा CSBC की तरफ से, कि इस चीज़ को क्लियर किया जाए कि जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछा जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने क्वेश्चन ईच सेक्शन से पूछा जाएगा, फिर बच्चे उस हिसाब से तैयारी करें, या फिर ये बताया जाए कि आपको च्वाइस लेना है तो वो कब ऑप्शन आएगा च्वाइस का, ठीक है, हो सकता है बाद में वो ऑप्शन आए कि आपको च्वाइस फिल करनी है। ये छोटा सा अपडेट था आप सभी के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।